हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ये कहावत कई लोगों की जिंदगी में सच भी साबित होती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है कनाडा के टोरंटो शहर से, जहाँ पर कोरोना वायरस महामारी ने एक महिला की नौकरी छीन ली, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद वो महिला 437 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। जी हाँ, आज वो महिला सैकड़ों करोड़ रुपए की मालकिन है। दरअसल टोरंटो की रहने वाली इस महिला ने एक लॉटरी में ये रकम जीती है और उसके जीत के पीछे उसके पति की ओर से देखे गए सपने का हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि महिला की जीत और उसके पति के सपने का क्या कनेक्शन है। इस बारे में 57 साल की महिला डेंग प्रवतुंडुम ने बताया है कि उनके पति ने लगभग 20 साल पहले एक सपना देखा था, जिसमें उन्हें लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए कुछ खास नंबर्स के बारे में पता चला। इन्हीं नंबर्स की वजह से महिला ने 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जीत ली। डेंग ने बताया कि वो बीते 20 सालों से लॉटरी की टिकट खरीद रही है और अब हर बार वो उन्हीं नंबर के टिकट खरीदती थी जो उनके पति ने सपने में देखा था। आखिरकार 2 दशक बाद उन्हें सफलता हाथ लग गई। आज वो 437 करोड़ रुपए की मालकिन है। लॉटरी जीतने की खबर भी महिला को अपने पति की ओर से मिली थी। 2 बच्चों की मां डेंग ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि वो लॉटरी जीत गई है तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी हुई और यहाँ तक कि वो रोने भी लगी। उनका कहना है कि वो इन पैसों से पहले अपने लिए एक घर खरीदेंगी और फिर वर्ल्ड टूर पर अपनी पैसों को खर्च करेंगी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।